यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए। रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर बाकायदा सनातन धर्म अपना लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के बारे में और आखिर क्यों वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया, क्या वजह रही। सबसे पहले सिरसरे तौर पर इनके बारे में जान लेते हैं। लखनऊ के एक शिया मुस्लिम परिवार में जन्मे वसीम रिजवी यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के नगर सेवक चुने गए थे। वसीम रिजवी ने राम मंदिर के हक में कई बार बयान दिए। साल 2018 में राम की जन्मभूमि नाम से फिल्म बनाई थी। कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक किताब लिख चुके हैं। वसीम रिजवी इस्लाम धर्म को लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहे, मरने के बाद दफनाने से इनकार किया है। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया था। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी नहीं था, तभी से वसीम रिजवी राम मंदिर के पक्ष में लगातार बयान दे रहे थे, जिसे लेकर कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने उनको घेरा था। यहां तक कि उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया था। कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली, लेकिन वसीम रिजवी लगातार मुखर रहे और हिंदू धर्म के फेवर में बयान देते रहे। वसीम रिजवी ने यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद गिरी से अपना धर्म परिवर्तन करवाया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने खुद बताया कि वो मुसलमान से हिंदू आखिर क्यों बने। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है, और इस्लाम को हम धर्म समझते। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वसीम रिजवी ने मदरसों को लेकर भी विवादित बयान दिया था। रिजवी ने कहा था कि इस्लामी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा था कि वो देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे। वसीम रिजवी एक दो नहीं, ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिनकी वजह से उन्हें मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा। हिंदू धर्म अपना चुके रिजवी ने अपनी वसीयत में कहा है कि उनके मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि उनके शव का अंतिम संस्कार पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से किया जाना चाहिए।